हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो गाइस, आज बात करेंगे कि क्या हमें स्मार्ट बैंड्स यूज़ करने चाहिए, क्या वो इफ़ेक्टिव होते हैं, क्या उनमें डाटा जो मिलता है हमें एक्यूरेट होता है, स्टेप्स वगैरह जो काउंट करते हैं, कैलोरीज काउंट करते हैं। तो मैंने भी एक पहना हुआ है और मेरी स्टोरीज़ में भी आपने देखा ही है कि मैं 10 के स्टेप्स करता हूँ, तो ज़रूर फोटो डाल देता हूँ। तो मैंने कम्प्लीट कर ली टू मोटिवेट यू गाइस। तो ये बैठ के करते हैं आराम से बात इस बारे में और पूरी डिटेल में। सो इफ यू न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। सो गाइस, आपने बहुत सारे एथलीट्स को, बहुत सारे फिटनेस एंथुसियास्ट लोगों को देखा होगा कि वो स्मार्ट बैंड पहनते हैं, जैसे कि मैंने भी पहना हुआ है। तो मेरे पास है MI का बैंड, रेडमी बैंड 5। तो गाइस, ये जो बैंड है इसको मैं बहुत टाइम, लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट एवरी डे आई वेयर इट। तो क्या मेरे को इसके बेनिफिट दिखते हैं, क्यों मैं इसे पहनता हूँ और मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना एंड तक। तो गाइस, बात करते हैं बैंड, चाहे कोई भी कंपनी का हो। देखो, हर कंपनी के अपने अपने फीचर्स होते हैं। तो किसी में आपको अपना SPO2 कैलकुलेट हो जाएगा, किसी में आपको अपने, यू नो, फीमेल्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि उन्होंने अपनी साइकिल ट्रैक कर सकती हैं, और बहुत सारे बैंड्स में आपको कैलोरी, यू नो, ये तो ट्रैक हर किसी में ही होता है, स्टेप काउंट हर किसी में होता है। सो उस हिसाब से प्राइस रेंज है, फिर ब्रांड के हिसाब से प्राइस रेंज है, आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये बैंड मैंने बाय किया था अराउंड 2000 रुपीज़। तो गाइज, ये बैंड मैंने क्यों लिया था, बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च करी थी जब ये खरीदने वाला था मैं। तो उस टाइम क्या हुआ था कि आई वॉज ओनली कीन टू ट्रैक माई स्टेप्स। मुझे देखो वर्कआउट ट्रैक नहीं करने हैं, क्योंकि वर्कआउट जो भी बैंड्स होते हैं, किसी बैंड में एक्यूरेट होता है, किसी में नहीं होता है। तो इनिशियली जब मैं इसमें वर्कआउट ट्रैक्स करता था, तो कभी मेरे घंटे में 800-850 कैलोरीज दिखाता था, कभी 300-400 कैलोरीज दिखाता था। वो हार्ट बीट के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आप कितना इंटेंसिटी से लिफ्ट कर रहे हो, वेट आपकी हार्ट बीट कितनी तेज है, तो सबसे कैलोरी काउंट करता है। तो बट गाइस, आप ये नहीं जज कर सकते ना, मान लो सेम इंडिविजुअल, सेम हार्ट बीट पे कोई वेट कितना उठा रहा, कोई 100 किलो उठा रहा, कोई 120 उठा रहा, कोई 150 उठा रहा, तो वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आ जाता है कि कैलोरीज का। सो कैलोरी ट्रैकिंग इज़ द बेस्ट वे आप कर सकते हो। वो आप, यू नो, फूड की कैलोरीज कैलकुलेट करो और बर्निंग की एक एवरेज कैलोरी कैलकुलेट करो, उसके बाद पूरा वीक ट्रैक करो और फिर आपको पता लग ही जाएगा कि आपकी बॉडी ने कितना लूज़ किया, कितना गेन किया। सो यू गेट टू नो दैट। तो वो भी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से हम बिना बैंड के भी अपनी कैलोरी बर्निंग ट्रैक कर सकते हैं। तो गैस, इसको मैं बेसिकली स्टेप्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्टेप्स भी एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो क्या कहते हैं, ये ज़्यादा भी बता देता है। कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि इसको आप ना साइकिल के पैडल के ऊपर ऐसे डाल दो और ये घूमता रहेगा तो ये तब भी स्टेप्स देगा। तो गैस, इसमें सेंसर होते हैं, थोड़ी सी हमने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर मूवमेंट सेंस हो रही है तो ये स्टेप्स दिखाएगा ही दिखाएगा। और मैं नहीं बोलता कि 100% एक्यूरेट है, बट इससे मेरे को एक आइडिया मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10,000 स्टेप कर रहा हूँ, तो एवरीडे मैं इसी पे ही 10,000 स्टेप कर रहा हूँ ना, तो मेरा सेम लेवल का जो स्टेप्स है, और उस स्टेप्स में कोई बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कंपोजिशन, यू नो, बॉडी वेट, ये सब मैटर नहीं करता, स्टेप्स तो स्टेप्स हैं। तो अगर मान लो 50 किलो के बंदे के भी उतने स्टेप्स आएंगे, 100 किलो के बंदे के भी उतने स्टेप्स आएंगे। तो स्टेप्स कैलकुलेट करने के लिए स्मार्ट बैंड आर द बेस्ट। इससे एक आपको टारगेट मिलता है। बेस्ट बात क्या रहती है कि आपको पता रहता है कि मेरे को 10,000 स्टेप करने हैं, अभी इसमें 7,000 हुए हैं, तो मेरे को 3,000 और कर लेता हूं मैं। तो उससे क्या है कि मेरा एक गोल अचीव हो जाएगा, इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप कर सकते हो। अभी आता है कि इसमें आप टारगेट्स कितने रखें। तो गाइस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार 10 के स्टेप का ट्रेंड है, तो हम भी 10 के स्टेप ही करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 2-3 हज़ार स्टेप तो चलो नॉर्मली चल ही लेते हैं, फिर वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक ईजिली पहुंच गए, वॉक कर ली, फिर वो देखते हैं यार हमारा तो 10,000 स्टेप ही नहीं है, हमें करना ही करना है। तो वहाँ पे अगर आपका कोई फिटनेस गोल है, फॉर एग्जांपल आप फैट लॉस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उस टारगेट को अचीव करो जो आप रखना चाहते हो, बट उसके पीछे मत भागो कि हाँ ट्रेंड के पीछे भागते हैं कि 10,000। हर बंदे का गोल डिफरेंट होता है। मैं डेली 10K नहीं करता हूँ, कभी मेरे को लगता है कि आज मैंने कैलोरीज ज़्यादा खा ली हैं, तो मैं 15-20 स्टेप भी कर लेता हूँ। जब मुझे लगता है कि आज मेरी कैलोरी कंट्रोल में, मैंने फालतू का अनशन बार का कुछ नहीं खाया, तो मेरे 5-6 हज़ार स्टेप भी हो जाते, तो आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने आधे घंटे की वॉक कर ली है, मेरा जिम हो गया, मेरा एब्स वर्क हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है
कि आपको कितनी स्टेप्स को कैलकुलेट करना है, क्या टारगेट रखना है, सो दैट कि अगर वो अचीव ना हो तो आपके अंदर गिल्टी फील ना हो। सो एक जेन्युइन सा टारगेट रखें। और बैंड्स में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आ गई हैं 2000 से 3000 के रेंज में, जैसे कि टैग है, नॉइज है, और ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं। देखो मैं मल्टीपल ब्रांड्स बता रहा हूँ, तो MI का मैं यूज़ कर रहा हूँ, MI इज़ गुड। अगर आप यू नो 1500 से 2000 खर्च ही रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आप जो अब ज़्यादा फीचर्स वाले स्मार्ट बैंड्स आ गए हैं उसमें इन्वेस्ट करें। टैग का नियो वर्ब जो वॉच है वो भी बहुत सुपर्ब है, वो 3000 से 4000 की रेंज में आता है। नॉइज़ का भी ऐसी है, तो गाइज वो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अगर इफ़ यू वॉन्ट तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि हाँ कंपैरिजन करके कि कौन कौन से बैंड। तो आप मुझे इंटरेस्ट दिखाइए कमेंट सेक्शन में कि आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सा बैंड खरीदें, तो आई विल मेक अ कंपैरिजन वीडियो, उसमें आप फिर चूज़ कर सकते हैं फीचर्स के हिसाब से। सो गाइज आई होप आपको ये यू नो ट्रेंड में हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि इस ट्रेंड में आपको कैसे चलना है। तो स्मार्ट बैंड का ट्रेंड है, किसी ने एप्पल वॉच पहनी है, किसी ने कोई पहनी है, किसी ने यू नो गार्मिन पहनी है, किसी ने फिटबिट पहनी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से पैसे मत दीजिए। इफ़ यू आर ब्रांड क्यूरियस तो डेफिनेटली यू कैन बाय। इफ़ यू आपका गोल सिर्फ फिटनेस है सो आई विल टेल यू कि आप कम पैसे में अच्छी चीज़ खरीदिए एंड इन्वेस्ट दैट मनी। जो आपका यू नो 15 से 20 हज़ार रुपये का आप स्मार्ट वॉच लेने वाले थे तो 2000 में वही काम चलता है, अच्छे ब्रांड का बोट है, तो वो जो 12-13 हज़ार रुपये सेव कर रहे हैं वो अपनी डाइट, अपने सप्लीमेंट्स, आप उन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपके और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हर बंदे का बजट और हर बंदे का टारगेट लाइफ में डिफरेंट होता है। सो गाइज स्मार्ट काम करिए, भीड़ को मत पकड़िए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए। और हम तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए, वी आर नॉट हेयर टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, वी आर हेयर टू एजुकेट यू। सो आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।